हे गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुधीर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो यूपी जीके स्पेशल में देखिए, यूपीपी वीडियो और लेखपाल के लिए उत्तर प्रदेश का जीके कवर किया जा रहा है, जिसमें आज का जो वीडियो उसमें हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार और प्रमुख पक्षी विहारों के बारे में बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अगर जो आप यूपीपी वीडियो लेखपाल एग्जाम की तैयारी करें तो आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ग्रुप दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये वाला ग्रुप है, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है। इसको कैसे ज्वाइन करना है इसको देखिए, आप जाएंगे टेलीग्राम में, टेलीग्राम ऐप अगर जो नहीं यूज करते तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप सर्च करेंगे @exam_guru_sudhir, ये आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आप मुझे एग्जाम गुरु टिप्स एंड यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखेंगे आप तो इस पर मैं बहुत सारे वीडियोज और PDF सेंड करता रहता हूँ। बहुत सारे वीडियोज ऐसे होते हैं जिनके नोटिफिकेशन नहीं जाते, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए, आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे आप सुधीर कुमार सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, और अगर जो पहले से यूज करते हैं तब भी आप यहाँ सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। इस पर मेरे भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। हिंदी के लिए देखिए, पर्यायवाची आपको करना है तो अनअकैडमी पे आ जाइए। यहाँ पे पर्यायवाची मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्लासेस चली, उसके लिए पर्यायवाची विलोम सब सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, आज के वीडियो में इस पर यूपी जी के स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा चलने वाला है। अगर जो आपको PDF चाहिए उसके लिए मैं बता दूंगा, जो लोग पेड क्लासेस में नहीं उनको अगर जो पूरा PDF चाहिए उनको कैसे मिलेगा, ठीक है, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। जैसे ही पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार में देखेंगे, उनके क्षेत्रफल देखेंगे, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, ये सब भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, एक तरफ देखें वन्य जीव विहार लिखा, एक तरफ क्षेत्रफल मैंने लिख, क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में है और जिला किस जिले में पड़ता है, ठीक है। अब देखें, बात करें सबसे पहला जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये आपके चंदौली जिले में पड़ता है, 87 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। किशनपुर वन्य जीव विहार की बात करें तो लखीमपुर खीरी में पड़ता है, 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार की बात करें तो ये बहराइच में पड़ता है, 410 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, अगर जो आप पेड ग्रुप में नहीं है तो नोट्स बनाते रहिए वीडियो को देख देख के, ठीक है। रानीपुर वन्य जीव विहार की बात करें तो 410 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ये भी बहराइच में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार की बात करें तो 5.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ललितपुर में यह पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सारे हैं, ध्यान रखिएगा। चंबल वन्य जीव विहार की बात करें तो 635 वर्ग किलोमीटर में फैला, आगरा इटावा दोनों को कवर करता है, ठीक है। अब देखिए, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरठ हापुड़ बिजनौर अमरोहा मुजफ्फरपुर इन सब जिलों को ये कवर करता है, इन सब जिलों में पड़ता है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, कितना बड़ा है, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1079 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पीलीभीत में पड़ता है, ये नवीनतम अभी जल्दी ही बना, ठीक है। उसके बाद बताइए कछुआ वन्य जीव विहार, 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती जिलों में ये कवर करता है, ठीक है। अब देखिए, एक है सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, महाराजगंज यूपी के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये 10 टोटल हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, यहाँ से बार बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, यूपी के एग्जामों के में, स्पेशली यूपी के एग्जामों में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलेंगे, अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखें, एक तरफ पक्षी विहार लिखा, एक तरफ स्थापना वर्ष, एक तरफ जनपद और क्षेत्रफल इसमें लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले हम बात करें नवाबगंज पक्षी विहार, देखिए नवाबगंज आपका गोंडा में पड़ता है लेकिन ये जो पक्षी विहार है ये आपका उन्नाव में स्टेट है, ठीक है। तो इसके स्थापना वर्ष की बात करें 1984 में ये एस्टेब्लिश किया गया था, 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद समसपुर पक्षी विहार की बात करें 1987 में एस्टेब्लिश किया गया था, रायबरेली जनपद में पड़ता है, 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके बाद देखेंगे लाख बहोसी पक्षी विहार की बात करेंगे तो 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी के 80.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पटना पक्षी विहार की बात करें, देखिए पटना नाम बिहार ऐसे आता है लेकिन पटना पक्षी विहार की बात करें तो एटा जिले में स्थित है, 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखेंगे विजय सागर पक्षी विहार की बात करें तो 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था, महोबा में स्थित है, 2.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समान पक्षी विहार आता है छठे नंबर पर, 1990 में एस्टेब्लिश किया था, मैनपुरी में पड़ता है, 5.26 वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर में फैला है। उसके बाद ओखला पक्षी विहार, ओखला देखिए नोएडा में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में ये है, जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा जो जिसे हम बोलते हैं वो गौतम बुद्ध नगर उसकी जिला है। 1990 में स्टेब्लिश किया गया था, 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। जीबी नगर गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो पड़ता है वो नोएडा में पड़ता है, ये मैंने आपको करा चुका हूँ। ये सब सारी चीज़ें विभिन्न जिलों के जो मुख्यालय हैं भिन्न भिन्न जगहों पर है वो मैं करा चुका हूँ। पखरा पक्षी विहार की बात करें, 1990 में ये बना था, संत कबीर नगर जिले में स्थित है, 28.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद आता है सांडी पक्षी विहार, 1990 में स्टेब्लिश किया था, हरदोई जिले में पड़ता है, 3.09 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे हम देखेंगे सूर सरोवर पक्षी विहार की बात करें, 1991 में स्टेब्लिश किया था, आगरा जिले में पड़ता है, 4.10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आता है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, देखिए ये बिहार के बॉर्डर यानी कि बलिया जिले में पड़ता है, इसे पहले सुराहा ताल, ठीक है, इसे पहले सुराहा ताल पक्षी विहार बोलते थे, लेकिन अभी हम इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बोलते हैं। देखिए बलिया जिले में पड़ता है, इसका थोड़ा सा पार्ट बिहार में गया हुआ है, बिहार में हम अब भी इसे सुराहा ताल ही बोलते हैं, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार की बात करें, 1991 में स्टेब्लिश किया गया था, 34.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार में कहते हैं, ये बलिया जिले में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, 2003 में स्टेब्लिश किया था, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये तो हो गए आपके पक्षी विहार और आपके वन्य जीव विहार, इनको अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन दोनों में से कन्फर्म है, आपके यूपीपी एग्जाम हो या फिर वीडियो एग्जाम हो या फिर लेखपाल के नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हो, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कल वीडियो में देखेंगे विशेष स्थल पार्क व सिटी देखेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको कवर करना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं रखते हैं, 6 मिनट का लगभग वीडियो हो गया है और ये जो टॉपिक है दो टॉपिक इनको आज ही कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि बार बार बोलता हूँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो यार, अच्छा अच्छा कमेंट देना मत भूलिएगा, और अगर जो वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स तैयारी करते होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।